बेहतर शिक्षा के साथ ही खेलकूद में भी बच्चे अव्वल रहे, इसके लिए राजधानी भोपाल के ब्राइट फोस्टर किड्स स्कूल द्वारा लगातार विभिन्न कंपटीशन आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स मीट आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ब्राइट फोस्टर किड्स स्कूल बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए स्कूल प्रबंधन लगातार प्रयास कर रहा है। स्कूल की प्रिंसिपल श्रुति अग्रवाल ने बताया कि लगातार स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, ताकि जो भी बच्चे जिस खेल में रुचि रखते हैं वह इस प्रतियोगिता के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखा सके। इस स्पोर्ट्स मीट की खास बात यह है कि इसमें जिन बच्चों ने भाग लिया है उनकी उम्र 2 साल से 5 साल तक की है, लेकिन उनमें गेम्स को लेकर उत्साह बहुत है। उन्होंने बताया कि खेल प्रतियोगिता की भावना अभी से इन बच्चों के अंदर आए, इसके लिए समय समय पर इस प्रकार के आयोजन स्कूल द्वारा किए जाते हैं। प्रिंसिपल श्रुति अग्रवाल ने बताया कि बच्चों के लिए पाउडर रेस, बाल ब्लेसिंग रेस, फ्रूट रेस, चेयर रेस, हर्डल रेस के साथ ही योगा, जुम्बा और अन्य गेम्स आयोजित किए गए। वहीं जो बच्चे इन गेम्स में विनर रहे उन्हें प्राइज भी दिया गया। हम लोगों ने बेसिकली वी हैव 4 क्लासेस, प्ले ग्रुप 2 UKG एंड बिलो 5 ईयर्स के हमारे पास किड्स हैं, और 2 ईयर्स से लेके 5 ईयर्स के किड्स ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है। देयर आर सो मैनी रेसेस, बहुत सारे परफॉर्मेंस भी हुए हैं, वेलकम डांस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डांस, जुम्बा, योगा, पाउडर रेस और बहुत एन नंबर ऑफ रेसेस हैं यहाँ पर। सो बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, बहुत कुछ टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे से सब कुछ रेडी किया है। आई होप पेरेंट्स इंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू। एनुअल स्पोर्ट्स मीट कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रितिका पवार और अमित पवार मौजूद रहे। वहीं पेरेंट्स ने भी मौजूद रहकर अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाया। EMT न्यूज़ भोपाल।